हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बिहार पुलिस 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लगातार लास्ट वीडियोज में बहुत ज्यादा कमेंट्स देखे जा रहे थे, वो भी मैक्सिमम कट ऑफ के ऊपर, कि आखिर सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने इतने गेन किए हैं, तो हम लोग का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पर एक रेंज बताने वाला हूँ, जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मेरे चांसेज हैं, मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं हाँ नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई करूँ, फिजिकल के लिए तैयार रहूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के बाजू में दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और हाँ जी दोस्तों, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पसंद आती है तो लाइक जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं हर एक चीज को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। चूंकि दोस्तों मैं रिप्लाई नहीं दे पाता इसके लिए सॉरी, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को रिस्पॉन्स के रूप में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रियाज उपाध्याय जी ने बोला है, सर 48 जनरल होगा रिजल्ट फीमेल। ओके, आपको अभी बताने वाला हूँ, आप देखिएगा कट ऑफ मेरा 53 सही है, EBC से हूँ, क्या रिजल्ट होगा यहाँ पर अफसाना जी बोलती है, अफसाना जी। एंड नेक्स्ट आता है क्या राहुल कुमार, यहाँ पर 71 इनका राइट आ रहा है, रिजल्ट बनेगा क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद कमेंट्स देखने को आ रहा है अंजू कुमारी का, हमको 8 मार्च फर्स्ट शिफ्ट था, 50 है OBC फीमेल होगा कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग का होगा कि नहीं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक चलते रहें, आपको हर एक चीज बता दी जाएगी। ऐसे इसी प्रकार से सर जी यहाँ पर 12/10/2020 में नहीं, यहाँ पर एग्जाम ओके, एग्जाम डेट में थोड़ा मिस हो गया था टाइपिंग में, यहाँ पर सर मेरा 55 सही है, मैं जनरल से हूँ, क्या मेरा रिजल्ट आएगा, यहाँ पे शिलू कुमारी जी का बोलना है। तो आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कितना जा सकते हैं आप लोगों का कट ऑफ। यहाँ पर छोटू कुमार जी बोलते हैं, भाई मेरा 83 है और मैं OBC से हूँ, रिजल्ट आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है राहुल के द्वारा, सर कट ऑफ आप कैसे बताते। तो रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करना रहता है आप लोग के कमेंट्स, लास्ट ईयर का हर एक चीज का देखने के बाद जो हमारा रिजल्ट आउट होता है उसके आधार पर आप लोगों को कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से, तो फ्रेंड्स आखिरकार मैंने यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट आप लोगों के कमेंट्स थे उनको उठा के आपको बताया है। चूंकि वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज्यादा, यहाँ पर हम हर एक कमेंट्स को रीड नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज, क्या आखिरकार क्या रह सकता है आप लोगों का कट ऑफ। तो बढ़ते हैं आगे। लेकिन हाँ डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों का मैंने पहले से ही कट ऑफ बता दिया है किसका, आपके मतलब की जो फीमेल के अलावा मेल होते हैं उन सभी का कट ऑफ मैं पहले से बता चुका हूं। लेकिन यहां पर मैं बताने वाला हूं आपके फीमेल्स का, क्योंकि फीमेल्स की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी और मैंने बताया भी नहीं है, तो इसलिए अब मैं इस वीडियो में आपके फीमेल्स का कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं कि आप मेल का कट ऑफ देखें तो आपको जाना होगा इसी वीडियो के कॉर्नर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक आई बटन का साइन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप इसी वीडियो के लास्ट तक चलेंगे तो आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं संभावित कट ऑफ की आपकी बिहार पुलिस का। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फीमेल का। जी हाँ दोस्तों, ना कि मेल का, मेल का मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपकी फीमेल का। यदि आप वो देखना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉर्नर में वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं EOR की, और दोस्तों आप लोगों से बता दूं यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यदि आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम है, 1 से लेकर 2, तो आप माइंड में ना लें, क्योंकि दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब होता है संभावित। यहां पर आप लोगों को 1 से लेकर 2 नंबर का वेरिएशन बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 100% डाटा अवेलेबल नहीं होता, और कमेंट्स आते हैं तो कुछ कमेंट्स ट्रू होते हैं, कुछ फॉल्स भी होते हैं, इसलिए इतना माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। बात करते हैं आपकी EOR की, तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप EOR से बिलोंग करते हैं तो आपके बिहार पुलिस में फीमेल कैटेगरी से आपके मार्क्स करीबन होने चाहिए, कितने 63 से लेकर कहां तक आपके होने चाहिए, करीबन दोस्तों 69 के समथिंग। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं, आप बिल्कुल बेझिझक होकर आपके फिजिकल की
प्रिपरेशन में लग जाएं। ओके, ये मैंने यूआर कैटेगरी का बताया है, और चूंकि मैंने बता दिया कि एक से लेकर दो नंबर का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा क्योंकि यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं अगली कैटेगरी का। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके किसका, आपके ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। क्या आखिरकार यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का कट ऑफ क्या रह सकता है? तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपने मार्क्स गेन किए हैं आपके बिहार पुलिस में कितने, जी हाँ दोस्तों, फीमेल कैटेगरी से आपने मार्क्स गेन किए हैं करीबन 54 से लेकर आपके कहां तक आपने गेन किया है दोस्तों 60 के समथिंग। यदि आपका इतना आ रहा है स्कोर तो आप बिल्कुल नो टेंशन नो फिकर वाली कंडीशन में हैं, आपका सिलेक्शन यहां पर डेफिनेटली 100% डन है। ओके, तो आप नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन में लग जाएं, आपको ज्यादा माइंड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं ओबीसी का। जी हाँ दोस्तों, कि आखिरकार बिहार पुलिस कांस्टेबल ओबीसी कैटेगरी फीमेल का कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार 2020 में। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपने मार्क्स गेन किए हैं आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल में कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप लाए हैं मार्क्स करीबन 51 से लेकर यहाँ पर आप मार्क्स गेन किए हैं 54 के समथिंग, जी हाँ दोस्तों 51 से लेकर 54 के समथिंग, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन 101% डन है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। ओके, इतने में आपका सिलेक्शन स्योरली हो जाएगा, बट आप नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन में लग जाएं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगली कैटेगरी का कट ऑफ क्या रह सकता है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आगे अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आखिरकार आप लोगों का कट ऑफ क्या रह सकता है आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी क्या है एससी, तो दोस्तों यदि आपको 100% श्योरली सिलेक्शन चाहिए, आपको नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई होना है, तो दोस्तों आपके मार्क्स करीबन होने चाहिए कितने, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर 50 से लेकर आपके करीबन 55 के समथिंग। यदि आपका इतना स्कोर जा रहा है तो आप बेझिझक रहें, टेंशन की आवश्यकता नहीं, इतने में आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं कि आपका इतने में सिलेक्शन ना हो, कितना 50 से लेकर 55 के अराउंड। ओके, तो ये तो आपके एससी कैटेगरी का कट ऑफ। अब हम देखते हैं एसटी का, जो कि आपकी लास्ट कैटेगरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हाँ तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं किसका, एसटी कैटेगरी का, कि आखिरकार सर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं, मैंने कुछ कमेंट्स आपको दिखाए और कुछ वीडियो के कमेंट्स आपको दिखाए भी नहीं है। तो दोस्तों आखिरकार यदि आप फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी क्या है एसटी, तो आखिरकार आपके मार्क्स कितने होने चाहिए कि आप नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई कर जाएं, आपके फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने मार्क्स गेन किए हैं कितने, जी हाँ आपने मार्क्स गेन किए हैं करीबन यहाँ पर 50 से लेकर आपके 53 के बीच, यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर श्योर होने वाला है 50 से लेकर 53 के बीच। और फ्रेंड्स आपको बता दें, यहाँ पर जो कट ऑफ आपको बताया गया है वो आपके लास्ट ईयर के कट ऑफ के एनालिसिस और आपके कमेंट्स जो कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में किए हैं उनके आधार पर तैयार किया गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आपके एक से लेकर दो मार्क्स कम रहे हैं बढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और कम रहे हैं तो भी आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, इतने मार्क्स का हेर फेर आपको देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल यदि आप कट ऑफ की बात करें कि सर आखिरकार किसी भी कैटेगरी से हम हैं, ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकता है, आखिरकार कितनी रेंज में हम संभावना रखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ओवरऑल यदि मैं कट ऑफ की बात करूं, यदि आपके 50 बन रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आपकी यूआर हो, चाहे वो आपकी ईडब्ल्यूएस हो, या फिर ओबीसी हो, एससी हो, या फिर एसटी हो, यदि आप ला रहे हैं मार्क्स करीबन 50 के समथिंग, तो आपके बिल्कुल 90% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 50 के समथिंग होने चाहिए,
इससे कम है तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आखिरकार अब लेते हैं आपसे विदा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।